400 इंटरव्यू दे चुकी हूँ, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। खुशकिस्मत हो तुम, एटलीस्ट तुम्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, मेरा तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, आने जाने के पैसे तो बच जाते हैं। मैंने तो एप्लीकेशन करना ही छोड़ दिया है। कम से कम पोस्टेज का खर्चा तो बच जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में मैं अकेली हूँ जो रोज के दो दो इंटरव्यू देती हूँ, ये सोच के कि नौकरी मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाए। मैं ही बेवकूफ हूँ। You're right. तुम्हारे अलावा विक्की इस घर में एक और बेवकूफ है। कौन, तुम ना? अरे नहीं यार, भानु। पता है रोज भानु म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता है और अपना दुखड़ा रोता है, है? मतलब मुखड़ा गाता है गाने का। पता है दो म्यूजिक डायरेक्टर्स बॉम्बे छोड़कर चले गए और एक म्यूजिक डायरेक्टर ने खुदकुशी कर ली, और मरने से पहले जोर जोर से गा रहा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अरे अब तुम्हारे हवाले। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह के वक्त में ऐसे अशुभ आवाज में मत चीखिए। क्यों? क्योंकि आपकी इस भयानक आवाज की डर से मुर्गी अंडा नहीं देती। तो चिकन बनाओ, मुर्गी को काट दो। अरे लेकिन वो कटी हुई मुर्गी जो कढ़ाई में कांपती है उसका क्या? प्लीज अब सुधर जाइए। अरे सारे मोहल्ले में बदनाम हो चुके हैं, मम्मी को भी भगा दिया, अब मुझे भी भगा दो। तुझे तो मैं टोली में बिठा कर विदा करूंगा, एक से एक राजकुमार तेरे स्वयंवर में आएगा। लेकिन ये जो एक से एक राजकुमार है वो आएंगे कहाँ से? और अगर आएंगे तो हम जैसे फटीचर से रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? हम फटीचर आज हैं, कल नहीं रहेंगे। दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में होगी। क्यों, कल क्या होने वाला है? कल मैं अपना गाने का एल्बम निकालने वाला हूँ, भानु का नॉन स्टॉप धमाका। वोट फॉर कच्छा, वोट फॉर कच्छा। टू गुड पापा, यू आर टू गुड, यू आर ब्रिलियंट। लेकिन म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे आएंगे कहाँ से? कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, और आपका गाना तो ऐसा है कि अगर आप ट्रेन में गाए तो ट्रेन डर के मारे पटरी से भाग जाए, यानी कि ट्रेन में गाकर पैसा कमाने का नो चांस। तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर वाला देगा? ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाली डिसोजा आंटी। ना चोरी कर करके दूध पीता है फिर भी ताकत नहीं। चल, इतना बड़ा बैग, अरे हमको उधर में 1 महीना रहना मांगता है। सुनो, हम इधर में नहीं है तब तक तुम एकदम अलर्ट रहना। वरी नॉट, हम है ना, तुम फिकर मत करो। अरे तुम है इसके वास्ते हमको वरी लगता है। तो 3 बंदर को भी तुम कुछ देखना है, समझा? 1 मन के बाद जब हम वापस आएगा तो हमको हमारा घर एकदम क्लीन और वेल मेंटेन मांगता है, एकदम साफ सुथरा मांगता है। मगर तुम इतना कपड़ा काहे को लेके जाता है आंटी? अरे तेरे को क्या करने का है, जो दिया है वो चुपचाप भरना। क्या दिया है वो चुपचाप भरना? हमको तो ज्यादा होशियार रहना मांगता है, वरना वो 3 बंदर सारा घर साफ करके भाग जाएगा। हाँ वो विक्की, चलो चलो ना, वरना वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा ना वो रिटायर भी हो जाएगा, और तुम यही के यही। ये लो, जा रही हूँ, चलो। हो गया आप शुक्र। कहिए क्या चाहिए, अखबार या चीनी? हट, अखबार तो मैं सुबह ही ले गया था, अभी तो मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। गाना गाना नहीं, देखिए देखिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, चलो हटे। अरे मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आपको यहाँ पर रहते हुए इतने दिन हो गए हैं, आपको यहाँ पर कभी कोई वैसे वाला एक्सपीरियंस हुआ है? वैसे वाला? ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं हुआ। चलो बिली भाई, एक मिनट विक्की, मामला बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कहिए ना। मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कभी कोई आवाजें आई हैं? फुसफुस फुसफुस। अरे इस घर में आने के बाद तो हमें सिर्फ आपकी आवाजें कान पर पड़ती है, ये फुसफुस। चलो ना बिली। अरे 1 मिनट विक्की, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे नौकरी तुम्हें ही मिलने वाली है। आप कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा आवाजें ना सही, आपको इस घर में या आसपास कभी कुछ दिखाई दिया है? मुझे तो जहाँ देखूं मधु मधु का ही दर्शन होता है। मधुर घर, प्यारा घर, स्वीट होम, होम स्वीट होम, जहाँ देखो प्यारा प्यारा घर नजर आता है। ठीक है। अच्छा आपको रात को पैरों को कुछ, मैं कैसे कहूँ, एडल से? ओहो क्या टाइम पास हो रहा है, आप जल्दी बताइए ना। अच्छा ठीक है, आपको रात को यहाँ पर कभी कोई सांप दिखाई दिया है? सांप? नींद में कोई सांप आपके पैरों के ऊपर से गुजरा है? पैरों के ऊपर से सांप?
अरे भानु जी, हम नींद में होते हैं ना तो पैरों के ऊपर से सांप क्या, लोकल ट्रेन भी धड़धड़ धड़धड़ करके गुजर गई ना तो भी पता नहीं चलता। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन भानु जी, यहाँ पे सांप कैसे आएगा आपके होते हुए? जिस जमीन में सोने का हंडा होता है वहाँ पर एक सांप होता है, उसकी रखवाली करने के लिए वो सांप वहाँ घूमता रहता है। आपको मालूम है कि पहले के बुजुर्ग लोग अपना माल बैंकों में नहीं जमीन में गाड़ कर रखते थे। भानु जी, आप किस फैंटेसी में जी रहे और यहाँ पे कौन बुजुर्ग है जो अपना माल जमीन में गाड़ेगा? आप ये अखबार लीजिए और दोबारा पढ़िए। कमान कमान कमान, आपको पता है बिहार में डाका पड़ा है, चलो ना जमीन में और सो ना वो भी जमीन में। चप चप, गुड बाय बाय, चलो अभी तुम इंटरव्यू के लिए जाओ, जाओ ना। ओ विली, भानु की बात में दम है। सुजा आंटी कभी बैंक नहीं जाती, हो सकता है उसने अल्बर्ट का सारा माल जमीन में। Yes, it is quite possible it is. इसका मतलब है इस वक्त हम सोने के हंडे के ऊपर खड़े हैं। भानु भी ना सांप से कम नहीं है, उसके पहले ही हमें उस हंडे को निकालना होगा। ओके, फिर भी कुछ तो बचा होगा। तुम्हारा बाप, पिताजी, पिताजी कुछ तो छोड़ भी गए होंगे। हाँ, हमारे फादर ने अपने लाइफ का सबसे कीमती चीज हमको दिया। मरते वक्त बोला, बेटी इसको एकदम संभाल के रखना, इसका वैल्यू एकदम करोड़ों का है, इसको एकदम सेफ रखना। किधर है, किधर है, मैं उसे संभाल के रखूंगा। डाकू आएंगे तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करूंगा। ठीक है, हम अभी लेके आते हैं और तुमको देता है। मधु, एक बार इस बुढ़िया का माल मेरे हाथ में आने दे, फिर देखना तेरी डोली और मेरी एल्बम एक साथ। गली गली में मारो कच्चो जो कुम्भियों। हेलो, ये लो, एकदम वैल्यूएबल चीज है, इसको संभाल के रखना। अब थाली, अरे प्लैटिनम की है, एल्यूमिनियम का है। हमारा फादर हमारे डॉगी रॉबर्ट को इसी में खाना खिलाता था और हमारा रॉबर्ट पूंछ हिला हिला के खाना खाता था। रॉबर्ट, माय डियर, बहुत वैल्यूएबल है, इसको एकदम संभाल के रखो। चलो अभी हमारा सूटकेस लेके आओ नीचे, चलो। क्या कर रही हो तुम? अरे ये मेरा पेट है, पेट सोने का हंडा नहीं है, समझी? सॉरी अवनी, यू वो बुढ़िया ने कहाँ रखा है वो सोने का हंडा? अगर हमें मिल जाए तो हमारे तो सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म। कहाँ है वो सोना? अरे सोने की छोड़ो यार, 40-50 लाख रुपए भी मिल गए ना तो भी काफी है। तुम मिल गया सोने का हंडा। ए भानु जी, तुम ना इस घर को सर पे उठा, हम जमीन खोदकर हंडा ढूंढ लेंगे। ओके, अच्छा, घर को सर पे उठा के पूरे शहर में घूमूंगा क्या? आपके पास सर है, मेरा मतलब है घर है, जो चाहे करो, सर पे रखो, फेंक दो या बेच डालो, हमें क्या? काय बोली तू, काय बोली, जरा फिर से बोलो। मेरा मतलब है घर है, जो चाहे करो, सर पे रखो, फेंक दो या बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो, हमें क्या? जमीन के नीचे सोना है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऊपर जरूर है। ये घर 50 लाख में जरूर बिकेगा। Disgusting! भानु इतना गिर गया कि घर बेचने के लिए उसने ऐड भी दे दिया। हाँ, अगर हमें पहले पता होता ना तो पहले हम ऐड देते, पहले हम गिर जाते। विक्की, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, अरे कितनी स्मार्ट लग रही हो, ये अखबार मुझे दे दो। हाँ हाँ, ऐड पढ़नी है ना। अरे किसकी ऐड, कौन सी ऐड? चुप रहो, हम इतने बेवकूफ नहीं है। हाँ हम बेवकूफ है, लेकिन उतने नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ये क्या कह रही है बेटी? घर बेच रहे हो ना, वो भी आंटी का? नहीं तो? अच्छा, ऐड भी भूल गए, अपने घर का फोन नंबर तो याद है ना? ये देखो। अरे नहीं, मेरा फोन नंबर बदल गया है भाई। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है, आजकल तुम्हारी नजर आंटी के घर पर ही लगी हुई है। हाँ हाँ, लगी हुई है, तो तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो, तुम्हारी नजर भी तो आंटी का सोना हड़पने के ऊपर लगी हुई है। मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं कला की पूजा कर रहा हूँ। इन पैसों से मैं अपनी एक एल्बम निकालूंगा। अच्छा, तो हमारे मन में भी कोई पाप नहीं है, समझे? हम भी आंटी का सोना बेचकर बिजनेस करने वाले थे और उनका पैसा सूद समेत वापस लौटाने का प्लान था हमारा, समझे आप?
हमारा ये प्लान था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि पैसे देने का चक्कर ही नहीं है। बिल्ली, हमारा प्लान यही था, ओके? जस्ट शट अप। भानू जी, आप अपने कला के नाम पर आंटी का सारा माल हड़पना चाहते ना, बोले बोले। क्यों भाई, आंटी को मैं अपना एक ऑटोग्राफ भी तो दे सकता हूँ। ऑटोग्राफ? हाँ। क्या करेंगी आपका ऑटोग्राफ लेकर आंटी, चाटेंगी? मेरी एक बार एल्बम निकलने दे, मैं इंडिया का माइकल जैक्सन बन जाऊंगा। हाँ। अगर माइकल जैक्सन अपना ऑटोग्राफ 1 करोड़ में दे सकता है तो मेरा भी ऑटोग्राफ 50 लाख रुपए में बिक जाएगा। तुम्हारे पास कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, और आएगा ना तो फिर भाग जाएगा। चुपचाप बुढ़िया के आने से पहले मैं ये मकान बेच दूंगा। गुड बाय। लो, घर किसका और बेच कौन रहा है? वाह रे दुनिया, अगर भानु अपना वाला एरिया बेचेगा तो हम क्यों पीछे रहे? डोंट वरी, हम भी बेच देंगे। चलो चलो, हम तीनों सोचेंगे। ओके बिल्ली, जरा एक मिनट इधर आओ। या तुम्हें कितनी बार कहा है सोचने का काम तुम हम पर छोड़ दो। विकी, मैं विकी, विकी चुप रहना एक मिनट। घर घर भानु उधर ना, घर 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 घर। अच्छा बच्चू, तो घर बेच रहे हो? अब मैं ही लाती हूँ कस्टमर। Yes, customer, customer, customer. कमरे में गुड गुड लेके जाओ। दिस वे प्लीज। तुम थोड़ा और झुको, थोड़ा और। अब हमारा सूटकेस उठाओ। जी रख दो। बसंती, सूटकेस? हम गेस्ट लोगों का नौका नहीं है, अपुन नहीं उठाएगा। हाँ, बेताली बेसुरी। ठीक है, चलिए आइए। अरे ये तो बुढ़िया को पटाने जा रहा है। डोंट वरी विकी, हम भी कोशिश करेंगे ना। चलो हम तीनों सोचते हैं। ओके बिली, तुम रहने दो प्लीज। अब तुम जाओ जी। वो आउट, हम कल तुम्हारा रूम देखेगा। आंटी, क्या लगता है तुम एकदम सोफा के पुट्टी के वापस? वो लोग हमको रिकॉग्नाइज तो नहीं ना किया? अरे इतनी अक्कल होती तो वो घर ही नहीं भेजते। अब तो रात को डिनर के वक्त और मजा आएगा। अच्छा? हाँ, आपके आने की खुशी में हम डिनर रखेंगे और सब लोगों को बुलाना। फिर देखना हम एक एक का कैसा बैंड बजाता है। हाँ, बजाएगा। दिल करता है आपका बैंड बाजा बजाकर स्वागत करूं। बाय द वे आंटी, इससे पहले आप कहाँ रहती थी? हम 20 साल से ज्यादा एक जगह में नहीं रहने को सकता। हम साउथ में था 20 साल। हाँ, उसके बाद अफ्रीका चला गया। 20 साल मतलब 40 साल। उसके बाद में अमेरिका में 20 साल। 60 साल। उसके बाद रशिया में 20 साल। 80 साल। फिर पेरिस में 20 साल। 100 साल। अभी हम इधर में 20 साल रहेगा। उसके बाद हम चला जाएगा ऊपर। नहीं, नीचे, हमारे सोसाइटी में दफनाने का कस्टम है। नहीं नहीं मैडम, हम आपको नीचे नहीं जाने देंगे। तो क्या हमको पकड़ के रखेगा? हम तो अपना आर्किटेक्ट को अपने कबर का डिजाइन भी दे दिया। फुल एसी। एसी कबर? एयर कंडीशन? हम एसी के बिना नहीं रहने को सकता। क्या इधर में एसी है? नहीं, वो क्या है कि है ना हमारे कमरे में। किधर? चुप रहो ना, खरीद लेंगे। घर आए हुए कस्टमर को मैं जाने नहीं दूंगी। और पैसा उधार ले लेंगे। चुप रहो ना। है है। अच्छा, हमारे घर में भी एसी है जी। हमारे घर में तो 2 एसी हैं, एक के ऊपर एक है। पापा नहीं है घर? चुप कर,
तेरे गहने पहनाकर मैं तेरी डोली विदा करूंगा। एसी है जी, एसी है। तुम्हारा घर वेल फर्निश्ड तो है ना? हाँ है, फर्नीचर है लेकिन पुराना है। एक कुर्सी है और तीन सोफे है, तीन पहिए की। और क्या है कि सब फर्नीचर पुराना है। क्या विली कहना चाहती है कि वो जो पुराना फर्नीचर था ना वो सब हमने फेंक दिया, अब तो नया फर्नीचर आने वाला है ना विली? एक छापा मारूंगा तुझे। मैडम वैसे हमारा घर इतना वेल फर्निश्ड नहीं है। थैंक गॉड, सच तो बोले। चुप, मैंने कल ही अपने नौकर को भेजा था वो वॉलपेपर के सैंपल लाने के लिए। कौन सा वॉलपेपर? कहाँ कब? और उसके बाद फिर वो फॉल सीलिंग लाएगा, फिर फर्नीचर आ जाएगा, शाम को सब कुछ हो जाएगा। चुप, मैं कुछ कहने छोड़ के गई है या नहीं? बगैर कोई बात नहीं, उधार ले लेंगे। हम तुमको कल तक का टाइम देता है, तुम अपना घर बराबर अरेंज करके रख दो। हम कैश दे के खरीदेगा। किधर है ये सब तुम्हारे पास? ए तू चुप बैठ, चल। ये तीनों तो भिखारी हैं, कौन देगा इन्हें उधार? मैडम, मैडम पानी। थैंक यू, वेलकम। बेटा तुम हमको बोला इधर में कोई रहता नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो डाउट है इधर में किसी का सामान पड़ा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बुढ़िया रहती है। हाँ लेकिन वो बुढ़िया इतनी झगड़ालू थी ना तो बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोला? हाँ देखो ना, हमने सोचा कि वो मजबूर है, बेसहारा है, भागने अकेली है, गरीला है। लेकिन ये सामान किसी गरीब लेडी का नहीं लगता ना। वो बुढ़िया इतनी शौकीन थी, इतनी शौकीन है ना, वो क्या है कि वो इस उम्र में भी चेहरे पर रंग पोतती रहती है, पोतती रहती है, वो भी मेरा मेकअप बॉक्स लेकर। उसके लिए तो गटर गटर सारा दिन गालियां देती रहती है। विकी तुम इतना लेट क्यों है? मैन विली तुम इतना टाइट कपड़ा क्यों पहना? अरे डांटती तो ऐसे जैसे घर की मालकिन हो। लेकिन हम बड़े दयालु थे तो सब कुछ सह लेते थे। हाँ और वैसे भी बुढ़िया और कितना दिन जिंदा रहने वाली है। लेकिन भगवान का नाम तक नहीं लेती थी, सारा दिन घूमना, खाना पीना और सोना बस। और आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, वो भानु और ये आंटी है ना, दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। क्या बोला? हाँ वो आप वो जगह मत लेना हाँ, क्योंकि वहाँ दो चार मर्डर भी हो चुके हैं, वो बड़ी मनहूस जगह है। हम तुम्हारा जगह खरीदेगा तो तुम किधर में रहेगा? फुटपाथ पर। हाँ अरे मैडम आपके लिए तो फुटपाथ पे भी रह लेंगे, लेकिन आप हमारा प्लीज घर घर खरीदो प्लीज, और कैश देकर। हाँ देखो हमको जरा सोचने का मौका दो। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। तुम अभी जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैडम माय ब्यूटीफुल हाउस रेडी, सी एंड पे कैश। पे कैश तो हम क्या यहाँ पर तमाशा देखने आए? हम भी तो अपना घर जगह बेचना है। पहले ऑक्शन शुरू करो। ऑक्शन ऑक्शन, चलो चलो। देखो हमारा कैपेसिटी सिर्फ 1 करोड़ का है। चलेगा चलेगा, हम भी नहीं चलेगा, ऊपर से 5 लाख रुपए डिस्काउंट भी देंगे। की प्रॉपर्टी है 10 लाख 5 लाख 1 लाख। ले लो। अनाउंस करो, अनाउंस करो। अरे ऐसे कैसे अनाउंस करोगी? हां मैडम जीतूंगा तो मैं ही। मैं आपको ऊपर से 1 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन आप मेरे से लो। अच्छा तो हम 5 लाख देंगे। 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख
आ गया तो हम सोचा कि तुम हमारे घर का सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, हमारा रिलेटिव की तरह हमारे घर को देखेगा। अगर नहीं, नहीं, हमको आज मालूम पड़ा हमारे घर को देखने वाला हमारा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं, अखा वर्ल्ड में हमारा कोई नहीं, गॉड भी नहीं, गॉड भी नहीं। रिलेशन से ज्यादा मनी होता है, अटैचमेंट से ज्यादा पैसा होता है, गॉड होता है। तो टेक इट, टेक इट, टेक इट एवरीथिंग, टेक इट। Please. अरे ये लोग तो आपको पहले ही पहचान चुके थे। हाँ, वो तो मेरे सुर सम्राट पिताश्री के दिमाग पर लालच का भूत सवार था, बस उसी को शांत करने के लिए हम लोग ने ये नाटक किया। क्या मतलब, मैं घर में 5 लाख का सामान लेके आया और तुम? हाँ आंटी, ये लोग ने मुझे सब कुछ बता दिया, ये लोग कुछ नहीं चाहते, बस मेरे पिताजी ही लालची है। I'm sorry, auntie. I'm really very sorry. मुझे माफ कर दो। विनी, विनी, तुम लोगों ने हमको पहले से रिकॉग्नाइज किया था। आंटी, आंटी, माँ चाहे कितने भी भेस क्यों ना बदले, बेटा, बेटा अपनी माँ को पहचाने में गलती कर सकता है कभी? आंटी, हमने सोचा कि एक्टिंग का आंसर हम एक्टिंग में ही देंगे। हाँ, हम खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन मेहनत करके, चीटिंग करके नहीं। मेरे बच्चों, आंटी, हम अपने आप को बेच देंगे, नीलाम कर देंगे, पर आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे हम। नेवर, 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 आंटी, नेवर।